दो दिवसीय दौरे पर रहे जिले के प्रभारी मंत्री यमकेश्वर शरण सिंह राज्य मंत्री द्वारा शनिवार को जनपद के विकास खंड सहार के ग्राम पुरवा फकीरे में चौपाल में पहुंचे, जहां पर प्रभारी मंत्री ने जनपद के आला अधिकारियों के साथ ग्राम के प्रधान व लोगों से बातचीत की। चौपाल में प्रभारी मंत्री ने शासन द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता से सत्यापन कराने के बाद गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, 6 माह के बच्चों को खीर खिलाकर अन्य प्रश्न कराया। इसके बाद प्रभारी मंत्री द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बात की, जिसके बाद वहां पर शासन द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना जैसे पुष्टाहार, कुपोषण संबंधित, बच्चों को कैटेगरी वाइज रखने संबंधित जानकारी को प्राप्त किया। मंत्री द्वारा बताया गया कि हितार्थ संचालित की गई इस योजना के अंतर्गत गरीबों को निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड बनवाने वाले अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें राशन जल्द से जल्द बनाकर राशन मुहैया कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, बैठक में जो भी कमियाँ आएंगी उनको निर्देश जो देना होगा वो दिया जाएगा। 23 फरवरी तक जो कार्यदायी संस्था है बता रही है कि ये पूरा कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 23 फरवरी तक ही पूरा होगा। मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जो है मंत्रियों को जिले में भेजा गया है अधिकारियों की रिपोर्ट के लिए, आपको क्या लगा किया है, रिपोर्ट कैसी मिल रही है यहाँ पे मुख्यमंत्री जी को? सर, यहाँ मेडिकल कॉलेज का बड़ा इशू है। 2013 से जो है मेडिकल ब्लड बैंक नहीं चालू हो पा रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? ब्लड बैंक सर, एक्चुअली पैथोलॉजिस्ट के लिए, सॉरी समस्या का मुझे अभी पता चला है, जल्दी उसका निराकरण कराया जाए। सर, ओपी राजभर ने